हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सिलेक्ट योर फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के ऊपर, कुछ सजेशंस है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली एंटर कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस, विल रीड दोज सजेशंस और मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो सारे सजेशंस अपने नेक्स्ट वीडियो में टू मेक इट इवन बेटर। नाउ, फिश ऑयल सप्लीमेंट हम सबको पता है एक सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो बेसिकली जो फिश ऑयल सप्लीमेंट है, जो कैप्सूल है, जो सॉफ्ट जेल्स है, जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, काफ़ी सारे ब्रांड्स है, कंपनीज है जो ये फिश ऑयल बनाती है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हर किसी को इसकी ज़रूरत है। ना, ऑफकोर्स फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है वैन योर गोल इज मसल बिल्डिंग या फैट लॉस गोल है। लेकिन एक आम इंसान जो नॉर्मल ऑफिस में जाता है, घर आता है, लेस एक्टिविटी है, जिम नहीं जाता है, कोई वर्कआउट नहीं करता है, उसको भी ये जो न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसकी ज़रूरत ज़रूर है। सो दोस्तों, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो न्यूट्रिएंट है, ये वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है, वेजिटेरियन फूड सोर्स से भी मिलता है और नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स से भी मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स फैटी फिश बहुत अच्छा सोर्स है, फूड सोर्स है ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो एज आई सेड दोस्तों, हर एक इंसान को ओमेगा 3 फैटी एसिड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस से रोल है इस फैटी एसिड्स के। तो दोस्तों, अगर आपके डाइट में फैटी फिश नहीं है, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारे सीड्स आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू कंज्यूम दोज सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स जो बाजार में, जो मार्केट में अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स है अवेलेबल है मार्केट में जो फिश ऑयल बनाते हैं, राइट, एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ये फिश ऑयल में होते हैं उसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है। तो इन दिस वीडियो मैं वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं कवर करने वाला हूँ, मे बी आई विल लिस्ट डाउन दोज हेल्थ बेनिफिट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और वीडियो के एंड में भी मैं वो बेनिफिट्स मेंशन करूँगा। बट जनरली आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्थ बेनिफिट्स आपको उधर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप कवर करने वाला हूँ कि आप अगर फिश ऑयल सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको कौन से पैरामीटर्स हैं जो देखने चाहिए बिफोर यू बाय दोज फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है, जो फैक्टर है, वो आपको जो चेक करना चाहिए बिफोर यू बाय फिश ऑयल सप्लीमेंट, वो है द टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो वो फिश ऑयल में अवेलेबल है। ऑफकोर्स फिश ऑयल सप्लीमेंट, कोई भी फिश ऑयल सप्लीमेंट लोगे तो वो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, बट उसमें इंश्योर कीजिए 2 ओमेगा ज़रूर प्रेजेंट है, DHA और EPA, बिकॉज ये जो ओमेगा 3s है, फैटी एसिड्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, काफ़ी दिस आर एक्चुअली गुड ओमेगा 3s फॉर आवर हार्ट, फॉर आवर ब्रेन। सो एंश्योर कीजिए कि आपका फिश ऑयल सप्लीमेंट जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप मार्केट में जिस किसी ब्रांड का ले रहे हो, उसमें EPA और DHA ये 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आपके सप्लीमेंट्स में, फिश ऑयल सप्लीमेंट में ये 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA और DHA ज़रूर मौजूद हों। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आप फिश ऑयल सप्लीमेंट खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर मिलेंगे, बट कितना EPA और कितना DHA आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जो भी आप प्रोडक्ट, जो भी जिस किसी ब्रांड का आप परचेस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स एट द फ्रंट ऑफ दैट पैकेट ज़रूर लिखा होगा कि 1000 मिलीग्राम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें अवेलेबल है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हैज़ कितना EPA, कितना DHA आपको मिल रहा है उसमें से, राइट। सो एक अच्छा रेशियो होगा ऑफ 180 मिलीग्राम EPA और 120 मिलीग्राम DHA, इतना तो होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हो तो ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं, बट ये एक नॉर्मल रेशियो है, गुड रेशियो है टू हैव। अगेन आई एम रिपीटिंग, 180 मिलीग्राम्स ऑफ EPA और 120 मिलीग्राम्स ऑफ DHA, इससे कम ना हो
वरना आपके फिश ऑयल सप्लीमेंट्स का कोई यूज़ नहीं होगा या यू आर नॉट गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ योर फिश ऑयल सप्लीमेंट. सो सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज द अमाउंट ऑफ DHA एंड EPA दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फिश ऑयल सप्लीमेंट. दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको देखनी चाहिए इन द फिश ऑयल सप्लीमेंट इज कि आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश ऑयल सप्लीमेंट में है वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, राइट. सो देर आर 3-4 फॉर्म्स जिसमें फिश ऑयल सप्लीमेंट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अवेलेबल हो सकते हैं आपके फिश ऑयल सप्लीमेंट में. इट कैन बी इन फ्री फैटी एसिड फॉर्म, इन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म और इथाइल एस्टर फॉर्म में. ओके, सो एंश्योर कीजिए जो भी फिश ऑयल सप्लीमेंट आप बाय कर रहे हो उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो आइदर फ्री फैटी एसिड फॉर्म में होना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट फॉर्म, जो अब्जॉर्प्शन के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा. यानी आपके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर फ्री फैटी एसिड्स फॉर्म में हैं तो अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा वो ओमेगा 3 बेनिफिट्स का, ओमेगा 3 एसिड्स का. अगर अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में वो सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाएंगे और आपको उसका रियल ट्रू हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा. अगर आपको फ्री फैटी एसिड फॉर्म में नहीं मिल रहा है मार्केट में, जो ब्रांड आप परचेस कर रहे हो ऑलरेडी अगर वो फ्री फैटी एसिड फॉर्म में नहीं है तो एटलीस्ट एंश्योर कीजिए कि वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में हो, बट डेफिनेटली वो इथाइल एस्टर फॉर्म में ना हो क्योंकि अब्जॉर्प्शन में आपको दिक्कत आएगी, आपको ट्रू फुल बेनिफिट्स आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सप्लीमेंट का नहीं मिलेगा. तो दोस्तों थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कौन से फॉर्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अवेलेबल है आपके फिश ऑयल सप्लीमेंट में. दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो है जो आपको देखनी चाहिए वो है कि आपका फिश ऑयल सप्लीमेंट कैप्सूल सॉफ्ट जेल जो भी है वो एंटेरिक कोटेड है क्या नहीं. तो ये जो एक कोटिंग होती है दूसरे मेडिसिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर सम अदर रीज़न उसके ऊपर भी ये कोटिंग होती है. नाउ ये एंटेरिक कोटिंग है क्या. नाउ ये एंटेरिक कोटिंग से क्या होता है कि अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल या सॉफ्ट जेल जो भी है कंज्यूम कर रहे हो और जो कि एंटेरिक कोटेड है तो वो डिजॉल्व आपके स्टमक में नहीं होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा. इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपको फिशी आफ्टर टेस्ट, बहुत लोगों को एक फिशी आफ्टर टेस्ट आता है, बर्ब्स आते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग फिश ऑयल सप्लीमेंट और जिसके वजह से बहुत सारे लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट. तो अगर आपका फिश ऑयल सप्लीमेंट एंटेरिक कोटेड है तो वो डिजॉल्व नहीं होगा स्टमक में, वो डायरेक्टली जाके डिजॉल्व होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और अब्जॉर्प्शन बेटर होगा. वैन से अब्जॉर्प्शन आई मीन सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजॉल्व हो जाएंगे और आपके ब्लड स्ट्रीम में वो अच्छे से फ्लो हो जाएंगे. अगर स्टमक में अगर वो एंटेरिक कोटेड नहीं है तो डेफिनेटली स्टमक में वो डिजॉल्व होगा. स्टमक में यू नो आवर स्टमक इज़ एसिडिक, राइट. तो स्टमक में बहुत सारे एसिड्स होते हैं दैट कैन डिस्ट्रॉय ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओके, सो बेटर होगा आप एंटेरिक कोटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लो ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व हो और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाए और आपको उसका फुल बेनिफिट मिले. द नेक्स्ट थिंग टू नोट इज फ्रेंड्स कि आपका जो फिश ऑयल सप्लीमेंट है उसमें मर्क्यूरी लेवल कितना है. ऑफकोर्स आई डोंट सी एनी फिश ऑयल सप्लीमेंट्स जो मैंशन करता है कि मर्क्यूरी लेवल कितना है उनके फिश ऑयल सप्लीमेंट्स में, बिकॉज ये जो फिश है ऑफकोर्स फिश ऑयल सप्लीमेंट्स फिश से बनते हैं, फिश के ऑयल से बनते हैं और ये जो फिश है इनमें मर्क्यूरी लेवल्स हाई होते हैं. कोई कोई फिश में मर्क्यूरी लेवल ज़रूर हाई होते हैं, ऐसे भी फिश है जिसमें मर्क्यूरी लेवल लो है. एंड ऑफकोर्स हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज़ नॉट गुड. तो मर्क्यूरी जो है ऑफकोर्स एक केमिकल है जो फिश में पाया जाता है और जो बड़े फिश होते हैं एक्चुअली उनमें ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज वो छोटे फिश को खाते हैं, राइट. तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट, बट एंश्योर कीजिए कि आपका जो फिश ऑयल सप्लीमेंट है वो एक फ्रेश वाटर फिश से बनाया गया है, फिश के ऑयल से बनाया गया है. तो एंश्योर कीजिए दोस्तों कि आपका फिश ऑयल सप्लीमेंट शुड बी लो इन मर्क्यूरी. ऑफकोर्स हर एक फिश में मर्क्यूरी ज़रूर होता है, सो यू कैन नॉट से कि फिश ऑयल सप्लीमेंट मर्क्यूरी फ्री हो. अगर कोई कंपनी ये दावा करती है तो डेफिनेटली यू शुड बी डाउटिंग इन दैट कंपनी, बिकॉज हर एक फिश में मर्क्यूरी लेवल पाया जाता है, मर्क्यूरी केमिकल पाया जाता है. ओनली डिफरेंस इज कि लेवल ऑफ मर्क्यूरी कितना है वो मैटर करता है.
तो एंश्योर कीजिए दोस्तों कि अगर आपका फिश ऑयल सप्लीमेंट जो भी मैन्युफैक्चरर है अगर उसने मेंशन किया है कि लो मर्क्यूरी लेवल है सो दैट इज़ गुड, बट एक ऐसा ब्रांड एक ऐसी कंपनी चूज कीजिए फॉर योर फिश ऑयल सप्लीमेंट जिसपे आपको ट्रस्ट है. ये जो ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेनेवर यू बाय एनी मेडिसिन आई वुड से. ओके, बिकॉज फिश ऑयल के केस में क्या है, बहुत सारी कंपनीज है जो भी फिश ऑयल मार्केट में बना रही है. इनफैक्ट डॉक्टर्स भी नॉर्मल पेशेंट्स को काफ़ी बार फिश ऑयल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं बिकॉज इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है. दोस्तों एज आई सेड ये जो फिश ऑयल है रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अ न्यूट्रिएंट जो हर किसी को ज़रूरी है. हर एक इंसान को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत है. अगर उसको फूड के सोर्स से नहीं मिल रहा है, फैटी फिश, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, बहुत सारे दूसरे सीड्स हैं जिसमें ये ओमेगा 3 पाया जाता है, अगर आप ये आपके डाइट में ये इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आपको फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. ऑफकोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. व्हाट मैटर्स इज आपके जो फिश ऑयल सप्लीमेंट है वो कैसे बनाया गया है, वो मैन्युफैक्चरर कौन है, उसने कैसे बनाया है, राइट. सो ये जो पैरामीटर्स ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ऑफकोर्स एंश्योर कीजिए बिफोर यू बाय, चेक कीजिए ये सारे पॉइंट्स बिफोर यू बाय एन फिश ऑयल सप्लीमेंट्स. अगर आप ऑलरेडी कुछ फिश ऑयल सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली चेक कीजिए कि पैकेट पे या जो भी पैकेट है वो फिश ऑयल सप्लीमेंट का उस पर ये मेंशन होना चाहिए. ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मेंशन होनी चाहिए. बट डेफिनेटली फिश ऑयल सप्लीमेंट इज़ सेफ, उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्म नहीं है. बट अगर आपको डाइट के थ्रू फूड के थ्रू अगर आपको आप ले पा रहे हो फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो काफ़ी अच्छा है, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, इज श्याम सावंत फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. काफ़ी वीडियोस हर वीकेंड में बनाता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, रेसिपीज़ है जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ अपने घर पे, जो खुद खाता हूँ वो सारे रेसिपीज़ मैं शेयर करता हूँ. एक हेल्दी वे से वो सारे फूड्स हम कैसे घर पर बना सकते हैं जो हम आउटसाइड स्टोर से बाय करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो माय फ्रेंड्स, इज श्याम सावंत फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में. और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कुछ सजेशंस है, कोई क्वेश्चंस है मेरे लिए तो डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में एंटर कीजिए. आई विल डेफिनेटली रीड दोज कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रीड दोज क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. आई विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड फ्रेंड्स, अंटिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.